जोहार दोस्तों, 583 पदों के लिए उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड में दौड़ चल रही है और इस एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ के लिए लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और इसमें अभी तक 8 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, यानी कि वो काल के गाल में समा गए। ये उत्पाद सिपाही की दौड़ अब मौत की दौड़ बनते जा रही है। हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, किसको ब्लेम करें, सरकार को ब्लेम करें, अपने आप को ब्लेम करें, इसमें आज सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट भी हैं कि जो बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं वे अपना नाम, घर का पता, ये सब भी भूल जा रहे हैं। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि वो मेडिकेटेड दवा का सेवन कर रहे हैं। आखिर अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एक एक्साइज कांस्टेबल की नौकरी ही हमारे लाइफ के लिए सब कुछ है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आया न्यूज़ में कि सूरज वर्मा, जो JPSC मेंस दे चुके थे और इंटरव्यू के रिजल्ट की वेट कर रहे थे, वो भी एक्साइज कांस्टेबल के दौर में काल के गाल में समा गए। क्या हमारे लिए एक नौकरी इतना महत्वपूर्ण है कि हम दौड़ते दौड़ते मर जाएं? सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक क्षमता को जांचना चाहिए। किसी को भी अगर हृदय संबंधी, फेफड़े संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको इस दौड़ में भाग नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या इंतज़ाम किए हैं, गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ को, मशीनरी को मैनेज कर रही है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो पेपर में, न्यूज़पेपर में जो व्यवस्थाएं आ रही हैं वो समुचित व्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं। जो विद्यार्थी वहाँ पर, अगर उनको ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है तो वो प्लीज़ आप इसको बहिष्कार कर दें, आप ना दौड़ें। आपकी जान ज़्यादा कीमती है। आप इस समय यह सोचिए कि आप सफल होना चाहते हैं, एक नौकरी लेना चाहते हैं, तो सफलता और असफलता का पैरामीटर्स आप नौकरी तक ही क्यों समझ रहे हैं? आज हमारे सोसाइटी को भी सफलता और असफलता के पैरामीटर्स पर सोचना चाहिए। क्या एक सरकारी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए मेरा बच्चा जान दे दे? क्या स्वरोजगार के विकल्प हम नहीं तलाश सकते? क्या एक एक्साइज कांस्टेबल में विद्यार्थी जो दौड़ रहा है वो JPSC, UPSC, BPSC और अन्य संस्थान जो एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट करा रहे हैं उनके लिए ट्राई नहीं कर सकता? क्या एक उत्पाद सिपाही के साथ ही जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? हमें जान देने की क्या ज़रूरत है? हमें जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने रास्ते असीम हैं, पूरा आसमान है हमारे सामने, तो दौड़ दौड़ कर अपने जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के सामने और भी एग्ज़ाम हैं, स्वरोजगार हैं, और अगर कोई नशा लेकर आप स्टेमिना बढ़ाकर अपने आप को दौड़ में सिर्फ निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह बहुत ही अनुचित है। आगे भी अभी दौड़ हो रहे हैं, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर मिल रहा है, मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ गलत कदम मत उठाइए जिससे आपके जान को खतरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।